अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मम्स एंड डॉटर। आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम एक बटर स्कॉच केक को डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल एंड ईजी स्टेप में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिलीशियस सा केक बेस रेडी है जो मैंने ऑलरेडी प्रीमिक्स से बनाया है। अगर आपको प्रीमिक्स केक रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अब हम इसे डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हम केक बेस को 3 लेयर्स में कट करेंगे। लेयर्स कट करने के बाद हम केक बेस पर उसे व्हिप क्रीम की हेल्प से स्टिक करेंगे ताकि हमारा केक मूव ना करे। जब हमारा केक स्टिक हो जाए तो उस पर हम शुगर सिरप ऐड करेंगे फॉर एक्स्ट्रा मॉइस्चर। शुगर सिरप ऐड करने के बाद व्हिप क्रीम ऐड करके उसे स्प्रेड कर लेंगे। बटर स्कॉच सिरप ऐड करेंगे एंड स्प्रेड कर लेंगे एंड बटर स्कॉच क्रंच ऐड करेंगे फॉर एक्स्ट्रा क्रंच एंड फ्लेवर। नेक्स्ट लेयर प्लेस करेंगे एंड सारा प्रोसेस रिपीट कर लेंगे। अब हम व्हिप क्रीम की हेल्प से केक को क्रम कोट करेंगे। केक पे एक थिन लेयर ऑफ व्हिप क्रीम अप्लाई करेंगे एंड पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। क्रम कोट करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो क्रम को लॉक करता है और केक की फाइनल फिनिशिंग स्मूथ होती है। केक को स्मूथ करने के लिए हम पैलेट नाइफ का यूज़ करेंगे एंड इसे स्मूथ कर लेंगे। जब क्रीम अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो केक को फ्रिज में रखेंगे 10 टू 15 मिनट्स के लिए ताकि उसकी क्रीम अच्छे से सेट हो जाए। जब केक अच्छे से सेट हो जाए तो उस पर फाइनल फिनिशिंग करेंगे व्हिप क्रीम की एक और लेयर अप्लाई करके। जब केक कवर हो जाए व्हिप क्रीम से तो पैलेट नाइफ या स्क्रेपर की हेल्प से केक को स्मूथ कर लेंगे।
येलो व्हिप क्रीम की हेल्प से केक के बॉटम लेयर में हम कलर ऐड करेंगे ताकि केक सुंदर लगे। केक बेस को क्लीन कर लेंगे टिश्यू की हेल्प से। फाइनल कोट हो जाने के बाद अब हम बटर स्कॉच सॉस को ड्रिप करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइपिंग बैग। बटर्स का सॉस को टॉपर पे ऐड करेंगे एंड टॉपर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे पैलेट नाइफ की हेल्प से। बटर्स का सॉस से ड्रिप हो जाने के बाद हम स्टार नोज़र की हेल्प से टॉपर डिज़ाइन करेंगे। आप आपकी चॉइस के हिसाब से नोज़र सिलेक्ट करके टॉप पर रोजेट्स, स्वेरल्स या जो भी पैटर्न आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। बी क्रिएटिव ऑलवेज। फाइनल स्टेप में हम स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे केक को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और ये लो, हमारा बटर स्कॉच केक रेडी है। आप भी इस तरह से अपने केक को डेकोरेट कर सकते हो एंड उसे स्पेशल बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी बेकिंग।